एपिसोड 169 ओल्ड फ्रेंड्स। विधि को अजीब महसूस होने लगा। उसने पहले ही उत्कर्ष की टीम ना ज्वाइन करने के लिए बहाना सोच लिया था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उत्कर्ष उसको अपनी टीम ज्वाइन कराने के लिए इतने सारे लोगों के सामने माफी तक मांग लेगा। इंडस्ट्री में उत्कर्ष अपना काम निकलवाने के लिए जाना जाता था। पास्ट में विधि उत्कर्ष के काम करने के तरीके को बहुत रिस्पेक्ट देती थी, लेकिन अब जब उत्कर्ष ने वही ट्रिक उसके ऊपर इस्तेमाल की तो उसे बुरा महसूस होने लगा। विधि ने अपनी पलकें झपकाई और लोगों के सामने इनोसेंट और कंफ्यूज दिखने लगी। उत्कर्ष को रिजेक्ट करने के लिए विधि फिर से कोई बहाना सोचने लगी। तभी अनिरुद्ध बोला, अगर उत्कर्ष सिंह अपनी गलती मान रहे हैं तो विदुषी तुम्हें उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस बार विधि सच में अपने मन में रोने लगी। ओ भाई अनिरुद्ध, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो जाते हो? तुमने तो मेरे डिसीजन की धज्जियां उड़ा दी, विधि ने अपने मन में सोचा। उसे लगा था कि वो कोई बहाना बनाकर उत्कर्ष की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगी, लेकिन अनिरुद्ध के बीच में बोलने की वजह से अब अगर वो अनिरुद्ध की बात को टालने की कोशिश करती तो लोग उसे इंडस्ट्री के दो बेस्ट प्रोड्यूसर के अगेंस्ट खड़ा हुआ होते देखते। इतने सारे लोगों के सामने इंडस्ट्री के दो बेस्ट प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट जाना विधि अफोर्ड नहीं कर सकती थी। विधि ने जैसे तैसे उत्कर्ष की टीम को ज्वाइन कर लिया। हालांकि उसको डर था कहीं उत्कर्ष या चेतन को उसके ऊपर कुछ शक न हो जाए। विधि को टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन एक्सेप्ट करते देख उत्कर्ष ने राहत की सांस ली और अपने मन में बोला, आखिरकार मैंने विदुषी को अपनी टीम ज्वाइन करवा दी। अब फ्यूचर में मुझे इन्वेस्टिगेट करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर विधि और विदुषी में कोई सिमिलैरिटी हुई तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। विधि पैर पटकते हुए बैकस्टेज चली गई। इतने बहाने बनाने के बाद भी वो पूरी तरह उत्कर्ष को रिजेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि वेवे डांस एंटरटेनमेंट के सारे लोग विधि के लिए खुश थे। थैंक गॉड अनिरुद्ध, मेघना ने टीवी की स्क्रीन देखकर कहा, अगर आज तुम बीच में नहीं बोलते तो ना जाने ये लड़की अपने साथ क्या कर बैठती। विधि को अंदर आते देख मेघना ने उसको डांटने के लिए उसका कान पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो? तुम्हें उत्कर्ष से इतनी नफरत क्यों है? सत्या, जीवा, चैतन्या और वेवे डांस एंटरटेनमेंट के बाकी लोग विधि को डांट पड़ते हुए देख रहे थे। सारी नजरें अपनी तरफ देखकर विधि उदास महसूस करने लगी। कुछ देर तक मेघना से फटकार सुनने के बाद वो बोली, आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन मैं डर गई थी कहीं तुम सच में केसिंगर सपोर्ट ना बदल दो, क्योंकि उत्कर्ष की टीम ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं अपने सिंगिंग टैलेंट को अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाऊंगी। क्यों? जीवा को विधि की बात समझ नहीं आई। क्या सच में तुम्हारे और उत्कर्ष के बीच पहले कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, मेरा उत्कर्ष से कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरे और टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट के स्टार सिंगर मुक्ति के बीच बातें कुछ ज्यादा सीरियस हो गई थी। तुम्हें नहीं लगता मुक्ति का ऑफिशियल पार्टनर और उसके गाने लिखने के बाद उत्कर्ष को मुझसे नफरत नहीं होगी? विधि को बस यही एक बहाना सही लगा सब लोगों को समझाने के लिए। टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। जीवा, चैतन्या और सत्या, मैं इस साल सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फाइनली मेघना को विधि की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई। अच्छा, तो विदुषी को डर था कि कहीं उत्कर्ष उसको अपनी टीम में लेकर उसके साथ बदला लेने की कोशिश न करे, इसीलिए ये उत्कर्ष को इतना अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मेघना ने अपने मन में सोचा। हालांकि उसको अपने दिल ही दिल में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही एक रीजन काफी नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट की तरफ से आरएफ कपूर ने पहले भी विधि को चोट पहुंचाने की कोशिश की हुई है। अचानक ही मेघना को महसूस होने लगा कि विधि को उत्कर्ष की टीम में डालने का आइडिया इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। मेघना ने अपना सर हिलाकर विधि की बात समझने का इशारा किया और बोली, चलो अब इस बात को भूल जाओ। तुम इस साल म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल के दौरान अपना ख्याल रखना। मैं अपनी तरफ से प्लान में कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। इस साल हम रोहन और शिव की जोड़ी को एज अ इम्पोर्टेंट न्यू कमर सपोर्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से तुम सबका बनाया हुआ प्लान बेकार हो गया। विधि ने एक बार सब लोगों से माफी मांग ली। जीवा ने लंबी सांस ली। सीरियसली विदुषी, तुम सच में
अच्छी अपॉर्चुनिटी को लात मारना चाहती हो? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि मुझे तुम्हारी और मुक्ति के बीच की लड़ाई के बारे में अच्छी तरह याद आ चुका है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। फॉरगेट इट। अगर मेघना की सिंगर सपोर्ट किसी और को देना चाहती है तो देने दो, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। एक आर्टिस्ट के लिए वेवे डांस एंटरटेनमेंट कंपनी का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा था। कुछ देर तक उदास रहने के बाद सब लोगों ने एक बार फिर से सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दिया और विदुषी को की सपोर्ट ना देकर इस साल उन सब ने रोहन और शिव को देने का डिसाइड किया। पूरी तरह प्लान करने के बाद मेघना ने स्पेशली मोहित को सारा प्लान समझाने के लिए कॉल किया। मोहित ने बड़े ध्यान से मेघना की बात सुनी और विधि के फोन पर कॉल कर दी। तुम्हें इस प्लान में कोई प्रॉब्लम है? मैं सबको तुम्हें सपोर्ट करने का ऑर्डर दे सकता हूँ, विधि ने हड़बड़ाहट में मोहित से पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से वेवे डांस एंटरटेनमेंट बिल्कुल फेयर डिसीजन ले रही है। मोहित, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर देने से सिचुएशन कुछ अजीब सी हो जाएगी? मोहित जोर से हंसा। ये तो उस पर डिपेंड करता है जिसके लिए मैं ऑर्डर दूंगा। अचानक से ही विधि के दिल की हैरानी प्यार में बदल गई। हालांकि उसने जवाब दिया, इट्स ओके, मुझे किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वैसे भी मेघना, रोहन और शिव के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। विधि की पुरानी जिंदगी में उसको आरव कपूर के साथ होने की वजह से पूरी जिंदगी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा है और उसी स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से लोग विधि से नफरत करने लगे थे। विधि का मर्डर हो जाने के बाद बहुत से आर्टिस्ट ने इस ट्रेजेडी का फायदा उठाया। वो इस जिंदगी में भी अपने साथ ऐसे नहीं होने देना चाहती थी। मोहित उसके जवाब से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तुम्हें सच में मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है? नहीं, आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है ठीक है, मोहित ने गहरी सांस ली और उसे रियलाइज हो गया कि वो इस सिचुएशन को नहीं बदल सकता। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, मेरा काम भी बस खत्म होने वाला है और काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। गुड लक विद द कॉम्पिटिशन, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस अपने ऑफिस से लाइव देखता रहूंगा। विधि ने मोहित को थैंक यू बोला और उसे काम में ध्यान लगाने की एडवाइस देने के बाद फोन काट दिया। विधि को अभी तक पिछले कुछ दिनों पहले हुई बात सता रही थी, रोमांस के बीच आरव की बातें याद आना। विधि को मोहित से बात करने में ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। विधि को दिन पर दिन अपनी और मोहित के रिलेशनशिप के बारे में चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। वो शायद आरव के बाद किसी और आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इस रियलाइजेशन से विधि उदास हो गई। वो किसी भी कीमत पर मोहित को नहीं खोना चाहती थी। उस रात विधि अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अगले दिन वो उत्कर्ष को ढूंढने के लिए निकल गई। अब म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल के ग्रुप पूरी तरह से बन चुके थे और हर टीम को प्री बैटल डिस्कशंस करके अपने प्रोड्यूसर के साथ प्लान बनाना था। बेशक विधि ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की से धूप टेबल तक आ रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में लगी बड़ी सी टेबल की हेड सीट पर उत्कर्ष बैठकर सब लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगले कुछ दिनों तक हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे के साथ काम करना है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ काम करते हुए इस म्यूजिक फेस्टिवल की ट्रॉफी अपने साथ लेकर आए। हम इस म्यूजिक फेस्टिवल की ट्रॉफी पर अपनी टीम का नाम लिखवा कर रहेंगे, एक सिंगर एक्साइटेड होकर बोला। उत्कर्ष की टीम लीडिंग के अलावा टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट का की सिंगर कहलाने वाला जसविंदर सिंह भी टीम पर ध्यान दे रहा था। वो अकेला ही टीम को म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल जिताने का दम रखता था। हालांकि उसे अभी तक उत्कर्ष को विदुषी का सेलेक्ट करना समझ नहीं आया था। तुम अच्छी तरह से परफॉर्म करना, ठीक है? जसविंदर टीम का कैप्टन होने का रोल निभा रहा था। अगर तुमसे कुछ ना हो सके तो कम से कम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तुम्हारा प्रॉब्लम ना क्रिएट करना ही हमारे लिए मदद के बराबर होगा। विधि उसको जवाब देने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने बस जसविंदर को देखकर अपना सर हिला दिया। अपनी पुरानी जिंदगी में जब वो टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट की डीवा हुआ करती थी, तब जसविंदर उसे देखकर दुम हिलाता फिरता था। वो विधि को देखते ही अपनी सीट खाली कर देता था और उसके लिए चाय लेने चला जाता था। पहले तो विधि को लगा जैसे कि जसविंदर एज अ आर्टिस्ट उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब आरव ने विधि को अपने घर में बंद कर दिया, तब एक बार मुक्ति उसके पास एक रिकॉर्डिंग लेकर आई जिसमें जसविंदर बोल रहा था,
विधि, वो तो हमेशा आरव सर का फायदा उठाती रहती है। तुम्हें पता है उस विधि ने मेरे से कितनी अपॉर्चुनिटीज को छीना है? अच्छा है वो कहीं चली गई। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर विधि फाइनली जान चुकी थी कि जसविंदर उसके बारे में क्या सोचता है। इस जिंदगी में विधि अपने आप को जसविंदर से दूर रखना चाहती थी। उसने जसविंदर की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। विधि को कोई रिएक्शन ना देते देख जसविंदर चिढ़ गया।